अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं डे टाइम से ही। जब घर साफ़ हो जाता है तो एकदम से सुकून, दिल को सुकून हो जाता है। और ये हम नाश्ते के लिए हम लोग बाहर आ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। इतनी कोई शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है इस टाइम पे लाहौर में। ये बेसिकली ब्लॉग हमारा ईद से पहले का है। ईद की कुर्बानी हम देखने गए थे मामा की तरफ, या उन्होंने गाय ली थी वो देखने के लिए हम गए थे। और ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। ये मेरी मेहंदी और मेरी रिंग्स जो कि मैंने ईद पे पहनी थी। आप लोग मुझे बताइए, ऐसा मुझे लगता है कि जब तक मेहंदी ना लगाई जाए ईद इनकम्प्लीट होती है। तो मेहंदी लगा ली और हमने ईद के लिए बिल्कुल रेडी हो गए। हम चले गए थे फैक्ट्री कुर्बानी के लिए। वहाँ से कुर्बानी करने के बाद हम लोग वापस घर ही आ गए थे। ये मैं हूँ और नेक्स्ट में आपको आइज़ल नज़र आ रही है। आइज़ल का फ्रॉक है जो कि इसकी मामी ने इसको गिफ्ट किया था, मतलब उमर की मामी ने गिफ्ट किया था। और ये ट्रांसमिशन है। लाइक रियली इतनी जल्दी कोई चेंजिंग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। बेबी की मदर्स कुछ भी कर सकती हैं। क्योंकि वो अनकम्फर्टेबल ड्रेस था तो ये हमने आइज़ल का चेंज कर दिया। और इसी डे में, सेम डे में हमने, ये बिल्कुल भी हमारी कुर्बानी का नहीं है, ये मत समझिएगा हमारी कुर्बानी का ये ब्लॉग, ब्लॉग बिल्कुल कुर्बानी का, लेकिन ये जो मीट है ये कुर्बानी का नहीं है। ये हमने रान रोस्ट करवाई थी, साथ चावल थे बिल्कुल, और साथ में हमने बारबेक्यू के लिए बनवाया था। ये सारा बाहर से बन के हमारे घर आया था, तो ये सारे बर्तन वगैरह उन्हीं के हैं जिनके अंदर अभी ये पड़ा हुआ है। शनवारी से हमने बनवाया था ये नमकीन टिक्का, और ये सारा कुछ कीमा है दो तरह का। क्योंकि ऑब्वियसली ईद पे इतना काम होता है तो बाहर से गेस्ट आए, और घर में खाना पकाए तो लेडीज़ का सारा दिन तो फिर किचन में गुजर जाता है, तो इसलिए हमने बाहर से ही खाना बनवाया था गेस्ट के लिए तमाम। और खाने के बाद हम लोग बस बच्चों के साथ ही मसरूफ़ रहे, कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं थी हमारी। तो ये लेट नाइट का क्लिप है आइज़ल का, जो कि अपने छोटे छोटे चाचुओं के साथ खेल रही है। और जैसा कि हम बचपन में सुनते थे कि ईद तो बच्चों की होती है, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल ईद बच्चों की ही होती है। बड़े होकर तो बस जिम्मेदारियाँ होती हैं और घरों के काम होते हैं, शायद वो काम जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं करती। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर लेडी जो घर में होती है वो लाजमी काम तो करती ही है। कुछ भी ना करे फिर भी वो काम ही कर रही होती है। एक बच्चे को संभालने से बेहतर बड़ा कोई भी काम नहीं होता, ये मुझे लगता है। और अगर मुझे लगता है तो एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक लगता है ना। जब आइज़ल नहीं थी तो मैं सोचती थी कि लोगों के, मतलब जिनके बच्चे होते हैं इनको तो कोई काम ही नहीं होता, बच्चों के साथ खेल लिया। बट कितना खेलें बच्चों के साथ यार, बस हो जाती है। इतना तो मैं कभी बचपन में नहीं खेली थी जितना मैंने आइज़ल के साथ खेल लिया। बट ये लाइफ की वो मोमेंट्स हैं जो कि हर मदर को इन्जॉय करनी चाहिए बिल्कुल हैक्टिक हुए बगैर। हर सुबह इसी नीयत के साथ मैं उठती हूँ कि आज मैं बहुत ज़्यादा खेलूँगी, बट आफ्टर अ वेरी स्मॉल टाइम मैं टायर्ड हो जाती हूँ कि यार बस हो गई है मेरी, आई एम टायर्ड। ये हमारी डे रूटीन थी। और इसके बाद ईद के लास्ट में हम बस बाहर चले गए, बारिश हो रही थी तो बारिश हमने थोड़ी सी इन्जॉय की। और इसी तरह से हमारा ईद का पूरा डे स्पेंड हो गया। गेस्ट आए हुए थे घर में, और मुझे तो ऐसे ही लगता है ईद होती मेहमानों के साथ है। जब मेहमान आपके घर आते हैं देन यू रियलाइज़ कि आज तो सच में ईद ही है। क्योंकि आम रूटीन में अगर आप ईद पे होते हैं तो घर में खुद ही होते हैं तो पता ही नहीं चलता ईद है या नहीं है। जब तक कोई बाहर से गेस्ट आए देन ही आपको अंदाज़ा होता है। फ़र्स्ट टाइम मैंने अपनी आंखों से कुर्बानी देखी, नहीं तो अपने घर में तो मैं मतलब सोई होती थी तो हमारी कुर्बानी हो जाती थी, या जो लेट होती थी तो देन मैं थोड़ा सा बस देखती थी, मतलब जब कटिंग करने लगती थी मैं साइड पे हो जाती थी। बट इस दफ़ा मैंने कंप्लीट देखी है कुर्बानी किस तरह की जाती है, बहुत बड़ा दिल करके। शायद अब शादी के बाद दिल बड़ा वैसे ही इंसान का हो जाता है। मुझे समझ नहीं आती वो कौन से लोग होते हैं जो कहते हैं जी हमने पूरा दिन ईद का सो के गुजारा है। मेरी लाइफ में तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं अपनी ईद का दिन हो इतना स्पेशल डे और मैं सो के गुजारूं। पहले फैमिली के साथ इन्जॉय किया जाता है, अपनी माम बाबा के साथ, भाइयों के साथ, बहन के साथ, और अब शादी के बाद अपनी इन लॉज के साथ मैं इन्जॉय करती हूँ। ये था मेरा आज का ब्लॉग, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।